तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लिखे हैं क्लास टेन्थ के फिजिक्स की प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के कुछ मेन टॉपिक जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे सो तो नमस्कार मेरा नाम सोनू आप देख रहे एजुकेशन माई गुप्ता जो टॉप चैनल चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में एक बेलाइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट को पता चल सके और वे भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए अच्छी तैयारी करके अच्छे-अच्छे से अंक प्राप्त कर सके तो दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा जो कि फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इससे अगर बात करिए तो आपको जो इस टॉपिक हम ले आए है आपको इससे हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ आपको समझ में आ जाएगी इससे इससे आप बना सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से याद करके आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं और दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देख लेते हैं तो चाहें कि प्ले लिस्ट में उपलब्ध है वहाँ से जाके आप देख के अच्छी तैयारी कर सकते हैं या वीडियो के नीचे लिंक दें वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ ही सोशल संस्कृत सॉब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएगा ताकि आप देखिए अच्छे तारीफ कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इससे आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से याद कर आप चाहे तो कॉपी कलम लेके जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक है तैयार प्रथम प्रश्न है जो कि प्रकाश किसी कहते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन में जो प्रथम अगर तो आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपसे पहली प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं ठीक है आपसे एग्जाम में इसी प्रकार पूछ सकता है कि प्रकाश किसे कहते हैं प्रकाश से क्या समझते हैं ठीक है ये इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सिंपली लिख देना है कि एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं आप सभी को तो पता है जैसे मान लीजिए सूर्य उस सूर्य की सहायता से हम दिन को देख पाते हैं या रात को ठीक है मान लीजिए बल्ब या टॉर्च इसी के सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी प्रकार आपको याद कहें कि एक ऐसी ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं ठीक है उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश का स्रोत क्या ये सब जो प्रश्न है दो नंबर में पूछा गया ठीक है तो आप दो नंबर इतना भी लिख देते हैं तो काफ़ी है ठीक है तो यहाँ पे जो प्रश्न है कह कि प्रकाश का स्रोत क्या है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं तो आपको सिंपली याद रखना है कि मान लीजिए टॉर्च टॉर्च को हम बारते हैं तो उसे क्या होता है प्रकाश निकलते इसलिए हम उसे प्रकाश का स्रोत भी कह सकते हैं तो आपको सिंपली याद रखें कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं तो प्रकाश का स्रोत कहते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे ठीक है उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है तो दोस्तों आप से तो पता ही हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करते है ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अधिकतर पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको याद है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करते मान लीजिए अगर टॉर्च बांटते हैं तो वह क्या सीधा ही न जाएगा इसलिए वह सीधा रेखा में गमन करती है ठीक है उसके बाद हम बात करिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार की होती है ठीक प्रथम में होता है पारदर्शी ऑप्शन नंबर बी में है पारभासी और ऑप्शन नंबर सी है अपारदर्शी ठीक है तो आपको याद रहे कि प्रकाश दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार के होते हैं पारदर्शी पारभासी और अपारदर्शी तो हम जानते हैं कि पारदर्शी पारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं चलो इसका हम जो परिभाषा है वह जान लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं ठीक है तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाए उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं मतलब कि दोस्तों यह हुआ कि कोई भी पदार्थ है ठीक है जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाए उन्हें हम क्या करते हैं तो पारदर्शी कहते हैं उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे ठीक है जैसे मैं हम बात करें कांच पानी हवा इत्यादि तो आप समझ चुके होंगे कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाए उन्हें हम पारदर्शी कहते मान लीजिए कि कोई कपड़ा है ठीक है और उसमें हम टोरच बारेंगे तो वह पार हो जाएगा इसलिए हम क्या उसे कहेंगे पारदर्शी है ठीक है जैसे में कांच पानी हवा और भी चीज हो सकता है इत्यादि ठीक है अगले हम बात करिए तो यहाँ पे परभाषी किसे कहते हैं परभाषी मतलब कि दोस्तों वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे हम परभाषी पदार्थ कहते हैं ठीक यहाँ है? पे देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की एक छोटी सी भाग को ही अपने में से होकर जाने देते उसे क्या कहते हैं परभाषी कहते हैं जैसे मैं आप ये देख सकते हैं चिकना कागज हिस्सा हुआ कांच ठीक है ये जो सब है क्या मतलब कि वह एक पदार्थ है मतलब कि थोड़ा सा अपना में से वह जाने देता है ठीक अपने में से होकर जाने देता है ठीक है तो यह क्या हो गया परभाषी हो गया ठीक है तो आप ये भी समझ चुके होंगे ठीक है अगले यहाँ पे कि अपारदर्शी किसे कहते हैं ठीक अपारदर्शी तो वह वस्तु जिनसे प्रकाश पार न कर सके उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप साफ समझ चुके होंगे कि कोई भी अगर पदार्थ लीजिए मान लीजिए कि यह एक ईटा है ठीक है इसमें हम जब प्रकाश यहाँ पे हम डालेंगे तो यह क्या आर पार हो जाएगा नहीं ना होगा तो इसलिए क्या हो गया यह अपारदर्शी हो गया ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि वह वस्तु जिनसे प्रकाश पार न कर सके उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं जैसे पत्थर लकड़ी ईट दीवाल आदि ये सब क्या है पार अपारदर्शी है ठीक है इससे अगर हम लाइट बाढ़ेंगे मान लीजिए टॉर्च बालते हैं तो क्या इससे आर पार नहीं होगा इसलिए क्या हो गया अपारदर्शी और आपसे पारदर्शी में पूछ दिया जाए तो वे पदार्थ जो वस्तु को आर पार दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं पारदर्शी कहते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो मेरा टॉपिक है प्रदीप्त किसे कहते हैं आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है दो नंबर में कि प्रदीप्त किसे कहते हैं ठीक है तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं मतलब कि दोस्तों यह हुआ, हुआ कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उससे हम क्या कहते हैं प्रदीप वस्तु कहते हैं जैसे में आप देख सकते हैं सूर्य बल्ब मोमबत्ती मतलब कि दोस्तों मोमबत्ती जब हम अंधेरा में मोमबत्ती बाँटते हैं तो वे वस्तु उत्पन्न करता है मतलब कि दोस्तों वह जो, जो मोमबत्ती एक वस्तु है उसे क्या बाटने के बाद हम क्या प्रकाश उत्पन्न होता इसलिए परदीप्त है इसलिए वह प्रदीप्त है ठीक है सूर्य मतलब जब सूर्य की रोशनी की सहायता से हम देख सकते हैं तो ये क्या हुआ सूर्य जब वह निकलता है तो वह क्या उस प्रकाश उत्पन्न होता है इसलिए प्रदीप्त तो वस्तु हम कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम जानते हैं कि अप्रदीप्त किस वस्तु किसे कहते हैं ठीक है तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं मान लीजिए कि यहाँ पे कुर्सी ठीक है कुर्सी में मान लीजिए आप टॉर्च बारेगा तो क्या वे जा सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कि कुर्सी ठीक है कुर्सी मतलब यह हुआ कि कुर्सी वह प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता ठीक है वे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं जैसे टेबुल कुर्सी पुस्तक पौधा ये सब क्या है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है ठीक और इत्यादि ठीक है, है तो आप समझ चुके होंगे कि अप्रदीप्त और प्रदीप्त किसे कहते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि पाँच नंबर में कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं पर आपसे एग्जाम में ये भी दो नंबर में पूछ सकता है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पे गड़बड़ लिखा गया कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण किरण पुंज पुंज कहते कहते हैं हैं ठीक है है तो है तो आपको पे समझ लेना कि प्रकाश प्रकाश का किसे की किरणों के समूह को क्या कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं ठीक है आप ये भी समझ चुके हैं किसे हम कहते हैं ठीक है यह मुख्यतः यहाँ पे देख सकते कि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकते हैं कि किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो आपको सिंपली तीन मार देना इसका जो तीन राइट है क्योंकि किरण पुंज मुख्यतः तो तीन प्रकार के होते हैं ठीक है प्रथम में होते हैं क्या अब सारी पुंज और, और दूसरे होते हैं समांतर किरण पुंज और तीसरे होते हैं अभिसारी किरण पुंज तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सारी किरण पुंज किसे कहते है, है, है। तो हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं अभिस किरण पुंज किसे कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे चले हम आपको बताते हैं कि अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं और समांतर किरण पुंज किसे कहते ठीक है तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं तो यहाँ पे नंबर में देख सकते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं तो ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाती है तो उसे हम अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो ऐसे पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाती है तो उसे हम पुंज कहते हैं जैसे मान लीजिए कि यह एक बिंदु है ठीक है यहाँ से मतलब कि निकलता है ठीक है उसके बाद यहां पे फैल जाता है ठीक है ये क्या हुआ मान लीजिए आप टॉर्च बांटते हैं तो वह क्या एक बिंदु पर स्थित रहता है उसके बाद टॉर्च बारने के बाद पूरी तरह से वह फैल जाता है ठीक है तो इसलिए यह अब सारी किरणपुंज इसे हम कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणों एक दूसरे को समांतर होते हैं उसे हम समांतर पुंज कहते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणों एक दूसरे को समांतर होते हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं ठीक है जैसे मैं आपको बता दें कि मान लीजिए समांतर मतलब कि यह देखिए ये सब क्या हो गया प्रकाश है ठीक है या ठीक है आप कुछ भी मान सकते हैं ठीक है इसके समांतर ये हो गया ठीक है तो ये क्या हो गया कि ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरण एक दूसरे को समांतर होते हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं आप सिंपली आपको इसी प्रकार याद रख सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर हो सम क्या कहते हैं तो समांतर किरण पुंज कहते हैं ठीक है अगले यहाँ पे कि अभी सारी किरण पुंज किसे कहते हैं ये सब जो प्रश्न है दो नंबर में आपसे पूछ सकता है और इससे हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो ऐसे पुंज जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी अभी उसे हम अभी सारी किरणपुंज कहते हैं ठीक है तो फिर से समझ लीजिए आपकी ऐसे किरणपुंज जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभी सारी किरणपुंज कहते हैं ठीक है मान लीजिए कि यह एक बिंदु है ठीक है और इधर से प्रकाश आता है ठीक है इधर से यह क्या हुआ प्रकाश आता है फिर इधर से आता है तो ये क्या हो गया प्रतीत हो गया इसलिए क्या हो गया यह ऐसे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणों एक बिंदु पर आकर मतलब कि कोई एक बिंदु है वहाँ पे आकर मिलती है उसके बाद मिलती हुई प्रतीत होती है ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं तो अभी सारी किरण पुंज कहते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे तो दोस्तों आप ये भी समझ चुके हुए काफ़ी महत्वपूर्ण था ठीक है आज के इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि सब स्टूडेंट का पता चल सके और अभी बिहार में मैट्रिक परीक्षा दो के लिए अच्छी तारीख करके अच्छे से कर अच्छे सच्चे अंक ला सके और दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो चाय की प्ले लिस्ट में उपलब्ध है वहां से जाके आप सेट बाय सेट वीडियो देख के अच्छे से याद करके आप अच्छा अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं तो दोस्तों आप जाइए अच्छे से देख लीजिए और दोस्तों यह जो वीडियो आप देखिए फिर से एक बार पाँच दिन के बाद देख लीजिएगा इससे क्या होगा आपको कि रिविजन हो जाएगा रिविजन होने के बाद आपको याद करने की कोई जरूरत तो आप समझ के एक बार फिर से देख लीजिएगा तो यह क्या होगा आपके दिमाग में समझ मतलब आ जाएगा मतलब कि आप समझ जाएगा कि तो समझने के बाद यह होता है कि आप खुद से भी परिभाषा बना सकते हैं ठीक है और रटने पर यह होता है कि जो आप बुक में पढ़े वही रटते रहिए डटते रहिए और एग्जाम में जाके भूला जाइए ठीक है तो आप समझिए समझने का कोर्सेज करें और हम बात करें आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत होता है बहुत दिक्कत होता है तो आप डाफनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए ठीक है किसी भी विषय का प्रश्न का जो भी प्रश्न में दिक्कत होता है उसे फोटो खींच के क्रॉप करके और सबमिट कर दीजिए आपको वीडियो सॉल्यूशन टेक्स सॉल्यूशन उपलब्ध होगा या डाउटनर ऐप का जो व्हाट्सअप नंबर दिया है ठीक है तो आप वह भी ले सकते हैं और व्हाट्सअप में जोड़ के वहाँ से भी आप जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत है फ़ोटो खींचे की क्रॉप कीजिए और आपको वीडियो सल्यूशन वहाँ मिल जाएगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली साथ में बेल आइकन को उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री और आप भी अच्छी तैयारी करते रहे साथ ही बिहार बोर्ड की पलपल की खबरें आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ जय हिंद आप सभी का दिन शुभ हो